हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। नैनो टेक्नोलॉजी के प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशंस। तो आज हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं जो या जिनके द्वारा हम नैनो पार्टिकल का रिकॉग्नाइज करते हैं या हम नैनो पार्टिकल को देखते हैं या नैनो पार्टिकल का सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो टूल्स दैट आर यूज्ड इन कैरेक्टराइजेशन ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि एक रेंज क्या होती है पार्टिकल की, जो हम साधारण आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, या जिनके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप, जो हम आज तक हमारी लैब में देखते आए हैं, जो जनरल माइक्रोस्कोप होता है, लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम बोलते हैं, वो किस रेंज से किस रेंज में वर्क करता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो किस रेंज में वर्क करता है। ठीक है, तो ये रिजॉल्विंग पावर है, ये हमारी स्केल है, ये 1 मीटर से 10^-10 मीटर तक की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ तक के जो पार्टिकल है 1 मीटर 10^-2 मीटर 10^-3 मीटर 10^-4 मीटर। तो 10^-4 मीटर तक के जो भी पार्टिकल हैं, हम उसको हमारे जो सिंपल आई है, साधारण आंखों से हम उसको देख सकते हैं इस रेंज में। ठीक, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तब हमें देखने में प्रॉब्लम आती है, हम ऐसे साधारण आंखों से नहीं देख पाते। तो 10^-4 से 10^-7 तक के जो भी पार्टिकल हैं, हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप से की मदद से देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में 10^-7 से लगा के 10^-10 तक के जो भी पार्टिकल हैं, हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब ये स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही ज़्यादा जो सूक्ष्म या जिनको हम बोले नैनो पार्टिकल है, नैनो पार्टिकल को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टूल्स की। तो जो टूल्स होते हैं, बेसिकली नैनो मटेरियल कैटेगराइजेशन टूल इज़ ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के टूल होते हैं बेसिकली, और उसी पे पूरा बेस्ड होता है। सिर्फ आपको टूल्स के नाम पता होने चाहिए, उनके सिर्फ आपको इतने ही हैं। ठीक है, तो सिर्फ हम एक जनरल टूल्स के बारे में बस पता करते हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है डीप इसमें हमारे सिलेबस में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, इन दो माइक्रोस्कोपी पे बेस्ड होता है अपना टूल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, और हमारा नंबर जो सेकंड है वो है स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। ये हमारे दो टूल हैं। इसके अंदर भी दो प्रकार के टूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी जो है उसमें भी दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, या दो टाइप के इसके अंदर भी टूल आते हैं, जो AFM और STM जिनको हम कहते हैं। AFM का मतलब होता है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, और STM का क्या मतलब होता है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। ठीक है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, और ये क्या है, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। तो ये जो टूल्स हैं सिर्फ हमें नाम बस जनरली याद रखना है, जैसे कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया, हमने फ्लो चार्ट बना लिया, तो एग्जामिनर को ज़्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो इस टाइप का फ्लो चार्ट हमारे क्वेश्चन में जो हम आंसर करते हैं उसमें होना चाहिए। ठीक है, फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, तो क्वेश्चंस और सुंदर बन जाते हैं और एग्जामिनर को प्रभाव डालते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन आए तो फ्लो चार्ट उसमें ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम होना चाहिए, यदि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो डाल दीजिए उसमें, और पॉइंट्स बना के लिखिए, तो अच्छी मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये था हमारा नैनो मटेरियल कैरेक्टराइजेशन टूल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो होते हैं। स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी में AFM मतलब एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, और STM मतलब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, जो कैरेक्टराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, दे आर डिफरेंट कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स विच आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल की स्टडी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बहुत ही यूज होता है। ठीक है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल पे, तो इन टूल्स का यूज होता है। ठीक है, देयर आर सेवरल इम्पॉर्टेंट मॉडर्न डेवलपमेंट, द एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी आर टू अर्ली वर्जन ऑफ स्कैनिंग प्रोब दैट लॉन्च्ड नैनो टेक्नोलॉजी। ये जो है, ये जो दो टूल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत ही अर्ली वर्जन है, ये लेटेस्ट है। इसकी मदद से हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या जो नैनो टेक्नोलॉजी की टेक्निक्स है उसमें इसका यूज कर रहे हैं आजकल नाउअडेज। ठीक है,
फैब्रिकेशन कह लो या किसी भी नैनो ट्यूब का सिंथेसाइज करने के लिए बोले या किसी नैनो वायर्स का सिंथेसाइज करने के लिए बोले, ठीक है, या हम जो नैनो प्रिंटिंग है, ठीक है, या हम नैनो लिथोग्राफी का जो टेक्निक है जैसे हम टॉप डाउन अप्रोच में हमने देखा था उसके लिए बोलो, तो ये सब टूल्स का यूज़ हम इस पे करते हैं, ठीक है, फॉर फैब्रिकेशन ऑफ नैनो वायर्स दोज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर्स फैब्रिकेशन सच एज डीप अल्ट्रा वायलेट लिथोग्राफी, ठीक। हम टॉप डाउन अप्रोच में क्या कर रहे थे, टॉप डाउन अप्रोच में हम कर रहे थे जो बड़े पार्टिकल हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन या लिथोग्राफी का यूज़ करके, ठीक है, उसको हम ब्रेक कर रहे थे और नैनो पार्टिकल बना रहे थे। तो बाय पीस इन स्टेजेस मच एज मैन्युफैक्चर्ड आइटम आर मेड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी, तो उसका यूज़ या उस जो हम सिंथेसाइज कर रहे हैं नैनो मटेरियल का, तो हम स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके वहाँ पे इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक बोथ फॉर कैरेक्टराइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। मतलब जो टॉप डाउन अप्रोच एंटिसिपेट्स नैनो डिवाइसेस दैट मस्ट बी बिल्ट पीस बाय पीस इन स्टेजेस मच एज नैनो मैन्युफैक्चर आइटम्स आर मेड स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोपी इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक बोथ फॉर कैरेक्टराइजेशन एंड सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल। तो ये सब टूल्स हैं जिसका यूज़ हम टॉप डाउन अप्रोच जो हमने पढ़ा था उस पर करते हैं, ये बॉटम अप अप्रोच जो हमने पढ़ा था उसमें करते हैं, ऐसे ही एटोमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू look at surfaces and to move atoms around, ठीक है। तो ये सब इसका यूज़ हम टॉप डाउन अप्रोच में करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बॉटम अप अप्रोच जो है, बॉटम अप टेक्निक जो है जिसमें हम मॉलिक्यूल का सिंथेसाइज करते हैं नैनो मटेरियल का टू ग्रो लार्जर स्ट्रक्चर एटम बाई एटम और मॉलिक्यूल बाई मॉलिक्यूल, हम क्या कर रहे थे बॉटम अप अप्रोच में, हम दो एटम्स को जोड़ के नैनो मटेरियल का सिंथेसाइज कर रहे थे, नैनो मटेरियल को बना रहे थे एटम बाई एटम या मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल को जोड़ के हम क्या कर रहे थे उसको बना रहे थे हम नैनो मटेरियल को। तो दीज टेक्निक्स इंक्लूड केमिकल सिंथेसिस सेल्फ असेंबली एंड पोजिशनल असेंबली, सेल्फ असेंबलिंग केमिकल सिंथेसिस एंड पोजिशनल असेंबलिंग, ये इसका यूज़ हम बॉटम अप टेक्निक में नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस ये हमारा सिलेबस में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, सिर्फ आपको इतनी जान लेना है कि हमारे टूल्स कौन कौन से होते हैं और उनका एक जनरल एक लाइट वे में इसका यूज़ कैसे होता है क्या होता है, सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए, कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है बेसिकली। तो ये हमें जान लेना चाहिए कि ये टूल्स किस किस काम में आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक अब हम नेक्स्ट क्लास में नैनो फर्टिलाइजर पढ़ेंगे, ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर नैनो पेस्टिसाइड वो पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टराइजेशन पढ़ेंगे, उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।